हेलो यूट्यूब भाई, मेरे साथ कुछ दिन पहले ये हुआ कि ये पंखा जो देख रहे हो आप, उसका मतलब उसका कंडेंसर ख़राब हो गया। मैंने कंडेंसर बदला और दोबारा से इस फ़ैन को चालू किया तो ये अजीब सा आवाज़ देने लगा। मतलब ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ घिस रहा हो। एक बार आप आवाज़ खुद सुन लो। ऑफ कोर्स इस आवाज़ का ये मतलब है कि उसको मैकेनिक के पास ले जाना होगा, लेकिन मैकेनिक के पास ले जाने से पहले मैंने सोचा है कि क्यों ना एक बार इसको खोल के खुद से देख लिया जाए कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। मतलब तो चलो भाई, मैं इसे पहले नीचे उतार लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसको इससे नीचे उतार लिया मैंने, आपको आवाज़ आ रहा होगा, ये हल्का सा अजीब सा आवाज़ है। चलो पहले इसका मैं ब्लेड खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, इसके कनेक्शंस दिखा देता हूँ आपको। इस तरह के फ़ैन में दो वाइंडिंग्स होती हैं जिसमें से चार या तीन वायर जो है सो बाहर निकाले जाते हैं, जिसमें से कि दो को कॉमन कर दिया जाता है। अगर कॉमन इसमें पहले से कॉमन किया हुआ है तो एक वायर बाहर निकाला है, और अगर कॉमन नहीं किया होता है तो दो वायर बाहर निकालते हैं। ये कॉमन हो गया और इसमें से कोई एक दोनों इसमें से कोई एक प्राइमरी होगा और कोई एक सेकेंडरी मतलब वाइंडिंग्स होगा। इसका कंडेंसर को हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में मतलब लगाया जाता है, और एक कॉमन हो जाता है, इसको न्यूट्रल के साथ जोड़ा जाता है। आप इसको इस रेड वायर को न्यूट्रल के साथ जोड़ेंगे और इस दोनों में से किसी एक को फेज वायर के साथ जोड़ेंगे। तो मतलब आप इस दोनों में से कोई एक को जोड़ेंगे तो फैन जो है सो उसी के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। तो आप पहले ये मतलब इस बारी बारी से एक एक में फेज वायर दे के चेक करेंगे कि फ़ैन का मतलब रोटेशन का डायरेक्शन सही है या नहीं। तो इस दोनों में से जिसमें सही आ गया रोटेशन का डायरेक्शन, आप उसको फेज उसी के साथ फेज वायर का कनेक्शन करेंगे। चलो मैं कंडेंसर भी हटा देता हूँ इसका, उसके बाद lost myself in these city nights. ये रहा इसका कॉइल, कोई भी कॉइल कहीं से जला नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें जो ये बॉल बेयरिंग तो ठीक है, ये फ्रीली मूव कर रहा है, बट इसका ऊपर वाला बॉल बेयरिंग यहाँ पे जो होता है वो मेरे ख्याल से ख़राब हो गया है, क्योंकि अब मूव करने पे ये फ्रीली मूव नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका बॉल बेयरिंग चेंज करना होगा, तो इसके लिए मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। सो थैंक यू, लाइक इफ़ यू लाइक्ड, डिसलाइक इफ़ यू डिसलाइक्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।